ओम श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा विधि और क्या भोग लगाएं, और इसके साथ ही श्रवण करेंगे माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। नवरात्रि में आज पूजा का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा में पेठे का भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ माँ कुष्मांडा को पीला रंग सबसे प्रिय है। उनकी पूजा में पीले रंग के फल, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा आठ भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्य में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में अवश्य ही करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में चारों तरफ अंधियारा था और माँ ने अपनी हल्की हंसी से पूरी ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज की तपिश को सहने की शक्ति माँ के अंदर है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी आठ भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा ने अपनी आठ भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण की हुई है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ कुष्मांडा का भोग। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बतासे भी चढ़ाने चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा की तैयारी कर ले। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करे। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर ले। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करे। माँ कुष्मांडा का स्मरण करे। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करे। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करे और भोग लगाए। सबसे आखिर में क्षमा याचना करे और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब श्रवण करेंगे माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अष्ट भुजा कहलाई। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंभरे की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुंभरे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है।
सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता कुष्मांडा एवं माता रानी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे प्रत्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।